नेपाल की मां बेटी ने जलाई फुलझड़ियां, 15 मौतों वाली बस हादसे में बचे लोगों के साथ दिवाली मनाई संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन ने, जिसमें नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग शामिल रहे। अस्पताल में बचे मरीज पूरी तरीके से खतरे से बाहर, घर का एहसास कराने में कामयाब रहा संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन। नेपाल की मां बेटी ने जलाई फुलझड़ियां, 15 मौतों वाली बस हादसे में लोगों के साथ दिवाली मनाई संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन ने, जिसमें नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग शामिल थे। अस्पताल में बचे मरीज पूरी तरीके से खतरे से बाहर, घर का एहसास कराने में कामयाब रहा संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन। नमस्कार, मैं जावेद, इस समय मैं मौजूद हूँ रीवा के संजय गांधी अस्पताल में। जैसा कि आपको मालूम है, रीवा में अभी पिछले दिनों एक दुखद हादसा हुआ था जिसमें 15 मौतें हो गई थी। फिलहाल अस्पताल में कुछ लोग एडमिट हैं, काफी दूर से हैं, देश या विदेश के लोग भी कहा जा सकता है, इस समय रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मौजूद हैं। हमारे साथ संजय गांधी अस्पताल के दो वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद हैं, जिन्होंने आज उनके साथ दिवाली मनाई। दिवाली क्यों मनाई, किस तरीके से मनाई, आज बात इसको लेकर। सर, किस तरीके से आज आपने ये दिमाग में आपके प्लान आया और आपने इसको दिवाली मनाने का तय किया? देखिए, खराब समय किसी का बता के नहीं आता है। ये जो यात्री थे, जो हैदराबाद से अपनी नौकरी के स्थल से अपने दिवाली के अवसर पर घर मनाने, छुट्टी मनाने के लिए और दिवाली मनाने के लिए जा रहे थे, तो हमारे रीवा जिले में सुहागी के पास इनका 2 दिन पहले अभी एक्सीडेंट हो गया था। बहुत भयानक एक्सीडेंट था वो, उसमें 15 लोग वहीं ख़त्म हो गए थे स्पॉट पे। पर किस्मत से हमारे यहाँ उपचार मिलने के बाद से हमारे चिकित्सक जो हैं बहुत तेज़ी से उनका इलाज किया, तो वो सब बच गए। अब चूंकि अब ये घर से बहुत दूर हैं, इनमें से पूछताछ में हमारे यहाँ जब पता लिखाया गया तो पता लगा कोई बिहार का है, कोई उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती पूर्वांचल का है, कोई नेपाल के भी हैं कुछ मरीज। तो ये समझ में आया आज अस्पताल प्रशासन में, हमारे अधीक्षक साहब ने अचानक दिमाग में ये विचार आया कि भाई दूर के हैं तो क्यों ना इनको, इनके साथ ही दिवाली मनाएं, इनको यह एहसास ना हो, तो उनके अपने घर के भाई बहन न से ही यहाँ के भाई बहन से ही, इसलिए हम लोगों ने यहाँ फैसला किया कि हम मनाएंगे। तो हमारे आज पूरे स्टाफ ने जाके उनके मिठाइयाँ दी हैं, बच्चे को पटाखे दिए, ये खुशी रहे उनके दिमाग में, ये एहसास ना हो कि वो घर से दूर हैं दिवाली। हम लोग अर्धवर्ष से हम घर को जा रहे थे, गाँव को बीच रास्ते में ऐसा हो गया जी, दिवाली मनाने को जा रहे थे, अभी इधर दिवाली मनाया, थोड़ा खुशी हो गई, बच्चे को ऐसा हो गया, हमको भी ऐसा हो गया, गाँव जाने के बाद में ऐसा हो गया जी, अर्धवर्ष से नेपाल गाँव जा रहे थे, बीच रास्ता में टक्कर दे बस। हम लोग अभी हॉस्पिटल में था जी, घर से दूर न रहें, उनको ये दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हालांकि हादसा तो काफी बुरा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से रीवा के संजय गांधी अस्पताल ने इंतजाम किया, उनको एक घर का एहसास दिलाने की कोशिश की, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसमें कामयाब भी रहे। अभी क्या पोजीशन है, कितने लोग एडमिट हैं और क्या किस तरीके के हालात हैं? अभी जो हमारे यहाँ पे 7 मरीज एडमिट हैं, उनके किसी किसी के फ्रैक्चर्स हैं, तो उनका फ्रैक्चर का जो सर्जरी होनी है, सर्जरी कराने के उपरांत ही जब वो स्टेबल हो जाएंगे तभी उन्हें घर भेजा जाएगा, हमारा यही प्रयास है। और जो यहाँ से भर्ती एडमिट थे, उनमें से भी कुछ लोग बिना इलाज के अपने परिवार के साथ चले गए, उनसे भी हमने समझाया भी था, उनसे प्रशासन की तरफ से भी कई बार निर्देश दिए गए उनको आके, खुद कलेक्टर साहब, SP साहब ने, विधानसभा अध्यक्ष जी भी आए थे, हमारे स्थानीय विधायक भी आए थे, सभी ने यही आश्वासन दिया था, उनको विश्वास दिलाया था कि आपका इलाज यहीं पर भरपूर होगा। लेकिन फिर भी उनको लगा होगा, उनके परिजन है, कि हम अपने अपने स्थान पर जाएं, और जो रह गए हैं उनको भी बोला गया है कि अब आप पूरा इलाज करवा के ही जाएं, और जहां तक अगले सप्ताह में इनकी सबकी सर्जरी कंप्लीट करा ली जाएंगी, फिर जैसा होगा उनको, जब स्वस्थ होंगे तो उनके घर भी। यहां से भर्ती एडमिट थे, उनमें से भी कुछ लोग बिना इलाज के अपने परिवार के साथ चले गए, उनसे भी हमने समझाया भी था, उनसे प्रशासन की तरफ से भी कई बार निर्देश दिए गए उनको आके, खुद कलेक्टर साहब, SP साहब ने, विधानसभा अध्यक्ष जी भी आए थे, हमारे स्थानीय विधायक भी आए थे, सभी ने यही आश्वासन दिया था, उनको विश्वास दिलाया था कि आपका इलाज यहीं पर भरपूर होगा। लेकिन फिर भी उनको लगा होगा, उनके परिजन है, कि हम अपने अपने स्थान पर जाएं, और जो रह गए हैं उनको भी बोला गया है कि अब आप पूरा इलाज करवा के ही जाएं, और जहां तक अगले सप्ताह में इनकी सबकी सर्जरी कम्प्लीट करा ली जाएंगी, फिर जैसा होगा उनको, जब स्वस्थ होंगे तो उनके घर भेज दिया जाएगा। ये बड़ी बात थी, जितनी कैजुअल्टी स्पॉट पर हुई उसके अलावा अस्पताल ने बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई, एक भी कैजुअल्टी संजय गांधी अस्पताल नहीं हुई। जिस तरीके का विभत्स एक्सीडेंट था उसके बाद,
माना जा सकता है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल ने भरपूर तरीके से मरीजों की देखभाल की, जो भी घायल थे उनका उपचार किया, जो सीधा सा उसका रिजल्ट आपके सामने, एक भी मौतें नहीं हुई। लेकिन आज संजय गांधी अस्पताल की इस टीम ने जो भी कारनामा किया है वो अपने आप में इनको यादगार दिनों में याद आएगा। जब वो घर हो जाके ठीक हालात में पहुंचेंगे उनको याद आएगा। सबसे बड़े त्यौहार दिवाली में उनके साथ अगर कोई था वो था रीवा का संजय गांधी अस्पताल का प्रबंधन। उन्होंने हमारे साथ दिवाली मनाई। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाकर रखेंगे। अब अपने मेजबान जावेद को दीजिए इजाजत।